स्टूडेंट्स, आई एम वी एस पांडे, योर फिजिक्स लेक्चरर। स्टूडेंट, हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और आज लेक्चर हम लोग 48 में एंटर कर रहे हैं। 47 में हम लोग वर्क डन पढ़े थे कांस्टेंट फोर्स के कारण, ठीक है। आज हम लोग वर्क डन वेरिएबल फोर्स के कारण स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 48 में, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि वर्क डन जो है वो किस तरह से ग्राफ से कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 48। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इसको हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बेसिकली स्टूडेंट देखेंगे हम लोग वर्क क्या सीखे, तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं, लेकिन हम लोग ये जो फॉर्मूला अप्लाई तब कर रहे होते हैं जब फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब ये कैसे वेरी करेगा फोर्स, तो ये जो फोर्स है जिसके कारण वर्क निकाला जा रहा है, दो तरह से वेरी करेगा। एक तो फंक्शन होगा पोजीशन का, और दूसरा फंक्शन होगा टाइम का, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, अगर फोर्स फंक्शन हो किसका, पोजीशन का, और तब जब फोर्स फंक्शन हो किसका भाई, टाइम का, तो दोनों से हम लोग वर्क कैसे निकालेंगे ये आज सीखने जा रहे हैं। मतलब पोजीशन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे हम एफ को लिख दें ना, एफ लिख दें 3x² + 2 न्यूटन, मतलब 1 मीटर। जब हम लोग 0 मीटर पे हैं, ओरिजिन पे हैं, उस समय देख रहे हैं कि फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, लेकिन जैसे जैसे पोजीशन चेंज कर रहे हैं 1 मीटर पे गए तो हमको दिख रहा है कि अभी ये 5 न्यूटन हो जाता है। मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्या हो रहा है, अभी फोर्स भी चेंज हो रहा है। अच्छा, तो ये फंक्शन हो गया किसका, पोजीशन का। लेकिन अगर फोर्स हमारे पास टाइम का फंक्शन हो, टाइम को चेंज कर रहे ना, जैसे t² + 2 न्यूटन, मतलब कि हम यहाँ पे 1 सेकंड पे देख रहे हैं, तो 1 सेकंड पे ये क्या भाई, 1 सेकंड पे हमको मिल रहा है, चलो देखो 0 सेकंड पे देख लो 2 न्यूटन मिल रहा है, 1 सेकंड पे देखो 3 न्यूटन मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस फोर्स के कारण कैसे हम लोग वर्क निकालेंगे और इस फोर्स के कारण कैसे वर्क निकालेंगे यही हम लोग देखने जा रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है W=FD cos θ, जहां पे एफ और डी दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग क्या लिए थे, थीटा लिए थे। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब देखो ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस वर्क को लिखे थे ना, F.D, ठीक है जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको एज अ देखते हैं वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। चलो तो पहला स्टार्ट करते हैं। अगर फोर्स जो है वो पोजिशन का फंक्शन हो, पोजिशन के चेंज होने के कारण अगर क्या हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ से देखें तो उसी ग्राफ से, इस ग्राफ से ये fx हो गया और यहाँ पे x हो गया, तो मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको फोर्स हर जगह देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप कैसे निकालिएगा, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स कुछ और है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं फोर्स कुछ और है, नीचे आ रहे हैं फोर्स कुछ और है, तो हम किसी पर्टिकुलर फोर्स पे चले गए, मान लो कि यहाँ पे कोई फोर्स तो मिलेगा ना, सपोज इट इज fx। अब इस फोर्स के लिए बहुत ही छोटा सा एलिमेंटल हम लोग डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते हैं। अब देखो इस डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स है, अगर fx मान लिया जाए, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट सपोज इट इज dx, ये वाला स्ट्राइप को देखो ध्यान से, क्या इस स्ट्राइप को निकालेंगे, ये f अगर बहुत ही स्मॉल हो, है ना, स्मॉल इंटरवल हो, तो ये क्या f इंटू dx, अगर कहते ये dx हो जाएगा, ये dx इंटू ये f, यहाँ से यहाँ तक फोर्स स्मॉल, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये जो dx है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा फोर्स मिला है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स है, तो क्या इस फोर्स को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारा वर्क था ये मिल जाएगा, क्योंकि वर्क क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर ये तो फोर्स केवल इतने दूर के लिए मिला, अभी तो फोर्स और भी बहुत सारा फोर्स है जो कि वर्क कर रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस तरह का बहुत सारा हम पतला पतला स्ट्राइप कट कर दें, मान लो यहाँ पे भी हमने कट कर लिया, यहाँ पे भी कट कर लिया, और ये सारे स्ट्राइप्स को यहाँ तक आके हम जोड़ दें, ठीक है, सारे स्ट्राइप्स को कट करके और जोड़ दें, तो क्या टोटल वर्क मिल जाएगा हमको, तो आप बोलेगा यस। तो ये छोटा सा जो स्ट्राइप कट किए हैं बेटा, इसमें मान लो छोटा वर्क हुआ कितना, dW,
एक हमारे पास ऑपरेटर है जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन हेल्प करेगा यहां से यहां तक के वर्क को निकालने के लिए. मान लो आप ओरिजिन से चलना शुरू किए. कहां से? ओरिजिन से चलना आप शुरू किए. कहां तक आ गए भाई? चलो आप x तक आ गए. या आप कहीं से भी चलो, आप बोलो सर यहां से यहां तक के बीच में x इनिशियल से x फाइनल के बीच में वर्क बताइए. चलो तो वहां निकाल लेंगे, उसमें क्या. ठीक है, यही. अब इसी ग्राफ को चेंज करके हम टाइम का भी बना सकते थे. टाइम के हिसाब से वर्क फोर्स क्या है, चेंज हो रहा है. तो अब उस एक्टिव ग्राफ पे किस तरह से हमको क्या निकालना है भाई? वर्क निकालना है. ठीक है, तो ये कैसे हम लोग वर्क निकालेंगे इसको भी हम लोग देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? वर्क लिखते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी एक्स. ये वाला डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स डी एक्स. इसको अगर ध्यान से देखो आप तो ये क्या मिल रहा है? दिस इज द एरिया. दिस इज द एरिया. दिस इज नथिंग बट द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यानी कि एक्स हम लिखते हैं ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. तो इसको तो आप नोट करके लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहां से कुछ सवाल भी हम लोग बनाएंगे. इसको तो आप नोट करके लिख लो, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अब हमको अगर वर्क निकालना था, सर यहां से यहां तक के लिए आप वर्क निकाल के दिखाइए. तो चलो बेटा वर्क निकाल लेते हैं हम लोग. तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करो, एफ एक्स डी एक्स कर दो इसको. ठीक है, इनिशियल एक्स से फाइनल एफ तक आ जाओ. जब एक्स का पोजीशन इनिशियल लेंगे मतलब वहां से तो वर्क शुरू ही हो रहा है जी. ठीक है, वहां पे वर्क हुआ ही नहीं है जहां से चलना शुरू किए, और फाइनल तक आते आते ये हो गया डब्ल्यू. तो ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा किसके लिए? तो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क निकालने के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से एकदम नोट कर लो. लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन होंगे किस तरह के, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा. तो चलो उस स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो हम लोग एक दो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो याद रखो यहाँ से दो तीन तरह का क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे. एक तो हो गया. अब देखो यहाँ पे अगर कहोगे कि सर आप ये अगर टाइम का ये फंक्शन होता तो कैसे होता, तो टाइम का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का होगा. क्वेश्चन एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ठीक है जी, चलो तो हम इसको मिटाते हैं. अब हम लोग एक सवाल को डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अगर तुम बना सकते हो तो बना के दिखाओ, इसको नोट कर लो. चलो तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई फोर्स हो और वो वैरी कर रहा हो पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ कोई फोर्स अगर चेंज कर रहा है. ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आ गया. ये कह रहा है कि अगर कोई पोजीशन के साथ चेंज कर रहा हो कुछ इस तरह से, फोर्स जो कि पोजीशन का फंक्शन है, ये आ गया 3x² + 5 न्यूटन. 3x² + 5 न्यूटन कुछ इस तरह का फोर्स है. अब इस फोर्स के कारण आपको बताना है अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है 2 मीटर से 3 मीटर. ठीक है, फाइंड वर्क फ्रॉम 2 मीटर टू 3 मीटर. 2 मीटर से खींच के अगर किसी बॉडी को इस फोर्स के थ्रू 3 मीटर तक लेके जाते हैं ओरिजिन पे. मान लो यहीं पे हम लेके गए. ठीक है, ये ओरिजिन है. यहाँ पे इनिशियली बॉडी था कहाँ पे? 2 मीटर. बॉडी को खींच के लाया इस फोर्स ने कहाँ पे? 3 मीटर पे. तो यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क हुआ, ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, अप्रोच कैसे करेंगे. तो हमारे पास फॉर्मूला तो एकदम क्लियर है ना, स्पेसिफिक फॉर्मूला है. तो क्या है भाई? तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स है कि नहीं, एफ एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे तो एफ एक्स हमको साफ साफ दिख रहा है जो कि पोजिशन का फंक्शन है 3x² + 5 × dx. कहाँ से कहाँ तक? 2 मीटर से 3 मीटर तक. अरे इससे आसान तो कुछ है ही नहीं सर. तो इंटीग्रेशन कर देंगे 3 को बाहर निकाल के x² का dx के साथ. अभी चूंकि आप हो सकता है इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारे वीडियो लेक्चर में जाइए, मैथमेटिकल टूल टाइप कीजिए, मैथमेटिकल टूल. ठीक है, बीएसपी फिजिक्स में आप जाके मैथमेटिकल टूल ढूंढिए और उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए इंटीग्रेशन को, और तब वापस आइए यहाँ पे. चलिए भाई देखिए, ये हो जाएगा 5 कॉन्स्टेंट बाहर, dx कहाँ से कहाँ तक? 2 to 3. अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बताए भी थे कॉन्स्टेंट होता है लेकिन वो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज होता है, उसको नेग्लेक्ट कर दिए फिजिक्स में हम लोग. तो 3
है ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाए एक्स थ्री बाई थ्री फ्रॉम टू टू थ्री फाइव, ये कितना हो जाएगा एक्स टू टू थ्री, वैल्यूज पुट करें बेटा तो ये तो थ्री से थ्री काट दो, अब एक्स का वैल्यू बना 27, ठीक है 27 माइनस 8 ये हो गया, अब प्लस 5 3 माइनस 2 तो ये कितना हो गया टोटल, अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमको मिल रहा है 19, ठीक है क्या ये, हाँ 19 प्लस कितना हो गया 5, ठीक है 24 जूल, ऐसा कितना चाहिए 24 जूल, तो ये 24 जूल आ गया इसके लिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है एक छोटा सा होमवर्क हम दे रहे हैं, आप बताइए कि इस फोर्स के लिए वो क्या होना चाहिए, चलो नोट कर लो इसको भाई सभी लोग। एक प्रैक्टिस के लिए आपका होमवर्क दे रहे हैं, बहुत कुछ खास है नहीं इसमें, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर फोर्स जो है वो एक्स प्लस टू होल स्क्वायर न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है तो वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा अगर पोजीशन चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 मीटर टू 3 मीटर, ठीक है 0 मीटर से बॉडी को डिस्प्लेस करवाया जा रहा है कहां तक 3 मीटर तक, तो आप बता रहे हैं कि कितना वर्क कर रहे होंगे। चलो अब एक और सवाल देखते हैं, ये से क्या हो गया स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए। हेलो आप तो स्कूल लेवल का स्टूडेंट, ये मत समझना ना कि ये स्कूल लेवल से बहुत ऊपर चले गए सर हम लोग तो। अब आ जाओ एरिया अंडर ग्राफ से, एरिया अंडर ग्राफ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बना लेते हैं। मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, ठीक है यही हमारा ग्राफ है, यहाँ पे ये x है मीटर में, ये फोर्स है न्यूटन में, ये दिया हुआ है 10 न्यूटन, ये हो गया 2 और ये हो गया 6। तो कहता है फाइंड वर्क डन इन अप टू 6 मीटर, फाइंड वर्क डन ये हमारा हो गया ओरिजिन यूजिंग ग्राफ, फाइंड वर्क डन टू मूव बॉडी अप टू 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर बॉडी को खींचा गया, कौन से फोर्स है तो ये फोर्स का दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि कितना वर्क किया हुआ, तो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे तो आप एरिया अंडर दिस ग्राफ निकाल दीजिएगा। तो ये ट्रेपेजियम है इसका हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन एरिया अंडर एफ एंड एक्स ग्राफ, ठीक है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो भाई इसका ग्राफ तो एरिया तो निकालना बहुत आसान है जो कि वर्क डन आ जाएगा, ये एरिया हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इनटू दोनों के बीच का सफिशिएंट कितना है भाई 10 है, ये हो जाएगा 50 जूल, वर्क कितना गया 50 जूल, इतना आसान है। अच्छा चलो एक होमवर्क इस पर भी रख लो, एक होमवर्क इस पर नोट कर लो, नोट करो अच्छे से इसको, एक होमवर्क इस पर देते हैं, नोट कर लिए चलो एक होमवर्क लिख लेते हैं इस पर, एक्स हो गया मीटर में, एफ हो गया न्यूटन में, ठीक है अच्छा ये हो गया 10 0, ये हो गया 2, ये हो गया 6। अब फिर से वही क्वेश्चन भाई, 6 मीटर में आपको बताना है अगर पार्टिकल को खींच के ले जा रहा है कहां से 0 से 6 मीटर, तो आपको बताना है वर्क डन इन 6 मीटर क्या होगा यूजिंग दिस ग्राफ। अच्छा एक और सवाल दे देते हैं इस पे, ठीक है बहुत मुश्किल नहीं एकदम आसान एकदम आसान, एक और सवाल एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग लिखते हैं।
एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया है इससे रिलेटेड, होमवर्क। ये फोर्स न्यूटन में ये हो गया 10, 2, 4 एंड 6। फिर से वही हमारे पास है 2, 4 एंड 6 माइनस 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स तो नेगेटिव हो सकता है ना, माइनस 10 न्यूटन। अब आ जाओ, कहता है फाइंड वर्क डन इन ए 4 मीटर, बी इन मूविंग 6 मीटर। दो क्वेश्चन है, इन मूविंग 6 मीटर, 4 मीटर में कितना वर्क करना पड़ा, 4 मीटर तक मूव करने में, और 6 मीटर तक मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा। ये क्या भाई, एक्स है मीटर में, ठीक है जी, एक्स है मीटर में। चलो आओ, अब अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है उस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। किसका फंक्शन भाई, हाँ टाइम का फंक्शन है, तो एक मास्टर क्वेश्चन बताएंगे हम, एक क्वेश्चन आपको बताएंगे बेसिक, और उससे आपका जो क्वेश्चन है ना टाइम से रिलेटेड, मतलब टाइम का अगर फंक्शन है फोर्स तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, जो कि टाइम का फंक्शन है। अब यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो मान लेते हैं ना एफ टी जो है वो के टी स्क्वायर है, ये एक हमारे पास वर्क फोर्स दिया हुआ है के टी स्क्वायर। अब इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण वर्क डन पूछा जा रहा है कि टी वन इक्वल्स टू 0 सेकेंड से टी टू 3 सेकेंड में कितना वर्क किया गया होगा। अगर इस फोर्स को लगाया गया है 3 सेकेंड तक तो बताइए कितना वर्क किया गया होगा। ठीक है, तो चलो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला तो वही है ना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे यूज करेंगे एफ टी इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, तो अब इसको हमको किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे टाइम का फंक्शन है फोर्स, फोर्स क्या है टाइम का फंक्शन है, तो हमको इसको अगर इंटीग्रेट करना होगा तो टाइम का ही ऑपरेटर चाहिए और यहाँ तो पोजीशन का ऑपरेटर है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे। तो चलो हम अगर इसको dt by dt कर लें, ध्यान से देखते रहोगे स्टूडेंट, अगर dt by dt कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ft और ये हो जाएगा dx by dt, लिख सकते हैं क्या, इंटू dt। अच्छा हाँ, यहाँ तक हो सकता है सर। अब ये क्या हो गया, dx by dt v हो गया, तो ये आपका ft इंटू v इंटू dt लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये वेलोसिटी आ गया v, तो हमको v निकालना होगा, तो v निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि फोर्स में कहीं ना कहीं, इस फोर्स में कहीं ना कहीं मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, रहेगा नहीं, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा। खैर चलो कोई बात नहीं, इस v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम जानते हैं a इक्वल्स टू होता है dv/dt, ठीक है जी, a इक्वल्स टू dv/dt, या यहां से हम लिख सकते हैं ना dv इक्वल्स टू a इंटू dt, अरे लिखा सकता है a इंटू dt। अच्छा हाँ, ये तो सही है। अब मान लो फोर्स दिया हुआ है, एक मास भी क्या था, m क्या है, मास है, m क्या है, तो मास है, तो अगर मास है तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं a इक्वल्स टू फोर्स हमारे पास क्या है, तो देखो ध्यान से, यहाँ अगर ये फोर्स दिया हुआ है तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं a इक्वल्स टू एफ बाई एम, यानी कि kt² / m, ये एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और ये kt² / m क्या है हमारे पास, तो kt² / m ये a है, तो इसको क्या लिखते हैं, dv इक्वल्स टू kt² / m इंटू dt, kt² / m इंटू dt। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 30 सेकेंड के लिए हमको v मिल जाएगा, 30 सेकेंड के लिए क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। चलो अब यहाँ से अगर लगा सकते हो दिमाग तो लगाओ, हम यहाँ ऊपर मिटा रहे हैं, लगाओ दिमाग लगाओ, सभी लोग सोचेंगे हाँ
हाँ अब देखो यहाँ के बाद क्या करना है, एक बार वी मिल गया आपको, हमने वी क्या लिख लिया, तो वी हो गया के कॉन्स्टेंट है ठीक है, और एम भी कॉन्स्टेंट है, तो के बाई एम को हम बाहर छोड़ दे रहे हैं, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन करना होगा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा के बाई एम और टी थ्री बाई थ्री हो जाएगा, मतलब हमारे पास वी आ गया है कितना भाई, तो के टी क्यू बाई थ्री एम, अच्छा वी आ गया, तो हमको तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही ना था, वी वर्क निकालने के लिए डी डब्ल्यू, ध्यान से देखो तो वी एक्स्ट्रा था तो यहाँ पुट कर देते हैं है कि नहीं, यहाँ पे वी के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, ये पुट कर सकते हैं, और तब डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे, एफ टी और वी के जगह पे हो जाएगा के टी क्यू बाई थ्री एम इंटू डी टी इंटू डी टी, समझना होगा बेटा, पेशेंसली इसको समझो, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, पेशेंसली इसको समझो, अब एफ टी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो एफ टी आपको दिया हुआ है क्या है के टी स्क्वायर, यहां से देखो के टी स्क्वायर, अब आप डी डब्ल्यू फाइनली आपको क्या मिल रहा है, तो के टी स्क्वायर टाइम्स के टी क्यू ओवर थ्री एम इंटू डी टी, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ इसको सिंप्लीफाई करो, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू के स्क्वायर टी टू द पावर फाइव बाई थ्री एम डी टी, मतलब देखो वर्क को हम लोग टाइम के फंक्शन में कंप्लीटली लेके चले आए, कुछ कॉन्स्टेंट्स है और बाकी ये फाइनली हमारे पास टाइम के फॉर्म में चला आया है कि नहीं, अब इसको इंटीग्रेट करोगे और टाइम का तो दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक निकालना था, जीरो से थ्री सेकंड तक, तो आप बना सकते हो इसको, कंटिन्यू करो अपने से, बनाओ सभी लोग, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ से आंसर हम आगे बढ़ रहे हैं, अब तो आप बना ही लोगे हमको पता है, इसमें कुछ है नहीं, अब तो सर इंटीग्रेशन करना है ना जी, चलो इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करें सभी लोग, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू बाई कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं ना थ्री एम, क्या बचा टी टू द पावर फाइव डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कहाँ तक जाना था भाई, थ्री या टू सेकेंड देख लेना क्वेश्चन में है ना, टू सेकेंड थ्री सेकेंड वॉट एवर जो भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सुन दो, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन कर रहे ना डी डब्ल्यू, तो जब टाइम जीरो है उस समय वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और दो सेकेंड तक टोटल वर्क हमको मिल जाएगा, क्या हमने लिख लिया टोटल वर्क W लिख लिया ठीक है जी, अच्छा अब देखो भाई तो K स्क्वायर बाई थ्री एम है ना सर, और T5 फाइव आ जाएगा ना T6 बाई सिक्स ठीक है जी, चलो तो यहाँ पे हमने वैल्यू, अब क्या करना है यार, अब तो आप निकाल लोगे आंसर, चलो इसको सॉल्व कर लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है, यहाँ पे हमने फाइनली फिनिश कर दिया कि वर्क डन अगर टाइम का फंक्शन हो, वर्क डन अगर पोजिशन का फंक्शन हो तो किस तरह से हम लोग, सॉरी फोर्स अगर टाइम का फंक्शन और पोजिशन का फंक्शन है तो किस तरह से हम लोग वर्क निकालेंगे, बड़े सिंपल से कुछ नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना क्वांटिटी में भी आते हैं, आपके स्कूल लेवल में भी ऐसा डिस्कस करते हैं, क्या इसमें कुछ है ही नहीं जो कि आपको नहीं समझ में आया हो, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ वहाँ पुट करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से पावर का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, पावर ठीक है, और उसके बाद हम लोग पावर को डिटेल में अगले दिन, दो तरह का पावर है, एवरेज पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, तो सिंपल सा एक पावर का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं, बेसिकली स्टार्ट तो अगले दिन करेंगे पावर, हम पहले ही बता दे रहे हैं, चलो इसको नोट कर लो, सिंपल नोट कर लिए, चलो इस पर होमवर्क हो जाए सर, हाँ होमवर्क हो जाए, तो हमने होमवर्क दिया आपको, फाइंड वर्क डन बाय एफ टी इन टू सेकेंड, इन टू सेकेंड, इस फोर्स से अगर एफ टी दिया हुआ है क्या दिया भाई, तो ये दिया हुआ है थ्री टी क्यू, थ्री टी क्यू बहुत बढ़िया, और मास दिया हुआ है ना टेन के जी, कितना दिया भाई टेन के जी, मास दिया हुआ है टेन के जी, बहुत बढ़िया मास है भाई टेन के जी, अगर मास टेन के जी दिया हुआ है तो आपको बताना है, क्या आपको बताना है, तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा, आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए था ना मास चाहिए था, यस हमने मास रख लिया, फॉर्मूला पे नहीं पुट करेंगे बटन, फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे एकदम, कभी गंदा आदत फॉर्मूले पे पुट नहीं करेंगे, क्या करेंगे तो हम लोग एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे बनाना, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट भी याद हो जाए, दिमाग बैठ जाए और क्वेश्चन भी सॉल्व होता चले हमसे, तो कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए क्वेश्चंस को शुरू से बनाना है, ऐसा नहीं सिर्फ फॉर्मूला आप दिए तो बना दें, तो देखो हमने जो फॉर्मूला निकाला वहाँ पे
वो फॉर्मूला एक्चुअली नहीं है, वो तो एक डिराइव्ड इक्वेशन है. किसके लिए? जब हमारा फंक्शन क्या था, टी स्क्वायर में था, यहाँ पर टी क्यू दे दिया है तो चेंज हो गया. इसीलिए आप उस फॉर्मूले पुट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, आपको फिर से बनाना होगा. नाइन्थ मिश्रा, नाइन्थ आप पावर के बारे में पढ़े होंगे, उसी पावर पर हम चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, पावर कौन सा पावर? मैकेनिकल पावर पर हम चर्चा करेंगे. हालांकि जो कॉन्सेप्ट है पावर, ये पावर आपका बहुत दूर तक काम आएगा. यूनिट वगैरह तो वही रहता है, डायमेंशन वगैरह वही रहता है, इलेक्ट्रिकल पावर हो या मैकेनिकल पावर हो. लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम लोग लिमिटेड है मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग आएंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड 12th में आपको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में चर्चा करना है. तो ये मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर मतलब मशीन कर रहा है, मतलब कुछ वर्क कर रहा है तो वो कितना पावर डिलीवर कर रहा है, इस तरह का कुछ. एफिशिएंसी वगैरह भी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट डे. फिलहाल तो आज पावर के बारे में पढ़ रहा हूँ, कुछ है नहीं. तो पावर क्या आप लिखते हैं ना, पावर आप लिखते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क. बड़ा सिंपल सा अगर बात करें तो आप रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखते हैं पावर के बारे में. पावर का आप एसोलेट क्या लिखते हैं, तो पावर को जब रेट ऑफ डूइंग वर्क लिख दिए तो आप क्या लिख रहे हैं ना, पावर अगर पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वर्क बाय टाइम हो गया, मतलब वर्क पर टाइम ही आप पावर बोल रहे हैं. तो यहां से एसोलेट निकालना तो बहुत आसान है, ये जूल हो गया और इस टाइम का क्या हो गया, सेकेंड. तो मतलब एसोलेट क्या हो गया, जूल पर सेकेंड. और चूंकि ये बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड यूज होता है इस पावर का हमारे फिजिक्स में, इसीलिए इसका एक ऐसा यूनिट बनाया गया है. जेम्स वाट का आपने नाम सुना होगा, उनके नाम पर रखे वाट. ठीक है, तो इसका एसेंडिंग, इसको हम लोग जूल पर सेकंड को वाट भी जानते हैं. डब्ल्यू, डब्ल्यू ए डबल टी, कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. और भी आप बहुत सारा सुने होंगे पावर का, जैसे हॉर्स पावर. हम लोग जो इंजीनियरिंग यूनिट यूज करते हैं, किसका भाई, पावर का, इंजीनियरिंग यूनिट. तो इंजीनियरिंग यूनिट हम लोग उसको वाट लिखते हैं. सिंपली अगर देखा जाए तो आपने पावर को क्या लिखा, तो आपने पावर को लिखा पी इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो अगर कैलकुलस की भाषा में लिखते हैं पी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो भी सही है. हाँ बिल्कुल सही है सर. मतलब आप जो जिस रेट से वर्क कर रहे होते हैं, जिस रेट से वर्क कर रहे हैं उसी को आप पावर कह रहे हैं. अब देखो इस पावर को हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे. बेसिकली अगले दिन हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे डिटेल से, है ना. 5-10 मिनट लगेगा, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा. तो दो तरह का पावर आएगा, एक एवरेज पावर आएगा और एक इंस्टेंटेनियस पावर आएगा. तो देखा जाए तो हम लोग एवरेज पावर का, ये इंस्टेंटेनियस पावर का ये फॉर्मूला लिखे हैं. इंस्टेंट पावर मतलब जो टाइम का फंक्शन होगा, इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर हम निकालेंगे और एवरेज पावर भी निकालेंगे कि यहां से यहां के बीच में कितना, जैसे कोई टाइम दे दिया जाए आपको, ठीक है, कि हाँ चलो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना पावर डिलीवर किया उस मशीन ने, वो आप बताइए. तो एवरेज पावर उसको हम बोलेंगे. तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, फॉर्म क्या होगा, तो एवरेज पावर का हम लोग और इंस्टेंटेनियस पावर का, तो इंस्टेंटेनियस पावर तो हमको दिख रहा है ना, इसको हम पी टी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखेंगे और एवरेज पावर को हम लिखेंगे इस तरह से, एवरेज पावर. तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हम उस दिन आपको बताएंगे भी, यहाँ पे हल्का फुल्का समझ लो, या अगले दिन हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा. अब देखो एवरेज पावर था टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम. ठीक है जी, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम. अच्छा सर, तो टोटल वर्क कहाँ से आया सर? तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर ले तो टोटल वर्क मिल जाएगा. कैसे? तो डी डब्ल्यू ये इंस्टेंटेनियस से पी टी डी टी अगर कर ले और इंटीग्रेट कर ले तो ये क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा. इसका मतलब टोटल वर्क की जगह पे ये रख दीजिए सर, मतलब अगर टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तो वहां से टोटल वर्क तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई क्या है, तो डी टी है, तो डी टी मतलब टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को भी इंटीग्रेट कर लीजिए सर डी टी. अब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपसे कह रहा है, तो जीरो से टी ले लीजिए, जीरो से आप टी ले लीजिए, इसको भी जीरो से टी ले लीजिए. अब जो भी कह रहा है, अब जीरो ही जरूरी नहीं है, टी वन से टी टू ले लीजिए ना, उसमें क्या है, टी वन आप ले लीजिए यहाँ पे, टी वन से टी टू, टी वन से टी टू. ठीक है, टी वन से टी टू. अब टी वन का वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो से स्टार्ट कर दो, टी टू का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो. तो ये हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, उसके क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे. और ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस पावर का ही फॉर्मूला है हमारे पास. पावर का एसेंट क्या है, तो एसेंट हो गया हमारे पास वॉट, है ना. इस पावर को एक तो फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म इसका ये हो गया जहां से हम एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर स्टडी कर रहे हैं. दूसरा फॉर्म क्या है, देखो इस चैप्टर को बहुत ज्यादा हम खींच नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमको इस टाइम फ्रेम में बाकी चैप्टर्स को भी कवर अप करना है. तो जो आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन है और जो कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन, कुछ इस तरह से हम लोग इसको फ्रेम किए हुए हैं थ्योरी को, ताकि सारा क्वेश्चन बन जाए और कम से कम टाइम में हमारा काम भी निकल जाए ना.
वैसे आपके स्कूल में जो भी डेरिवेशंस आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए मोर देन सफिशियंट है हम जो भी यहाँ पे थ्योरी कर रहे होते हैं। इवन आप जो नीट हो गया आपका, आईआईटी मेंस और एडवांस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आपका यहाँ पे मोर देन सफिशियंट है। अगर आप डिटेल से नोट्स को बना के और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछे, कॉन्टैक्ट कर। अब देखो यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, हो गया ये। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, इसके दूसरे फॉर्म को देखेंगे। मतलब अगर फोर्स और वेलोसिटी दिया हुआ तो वहां से भी हम लोग पावर निकाल सकते हैं, फोर्स और वेलोसिटी से। मैकेनिकल हम लोग पावर की बात कर रहे हैं, तो फोर्स और वेलोसिटी, अगर मान लो कि हम किसी पर्टिकुलर लगेज को बहुत तेजी से खींच रहे हैं और उसमें खींचने के कारण हम लोग क्या किए, उसमें फोर्स जो दे रहे हैं, फोर्स से उसमें वेलोसिटी एक्वायर हो गया, तो आखिर में कितना पावर डिलीवर कर रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला हम लोग का लेक्चर जो होगा, इसलिए इस पर अभी कोई होमवर्क नहीं बन रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।